आज आधी रात से ही मानसूनी वर्षा भारी गति से हो रही, रात भर तड़तड़ाक बिजली की चमक गरज। आज मैं अपने इस नवनिर्मित मकान में बैठा हूँ। मुझे याद आता है 30-35 साल पहले वो फूस और खपड़े का मकान और मेरा नन्हा सा बचपन। आइए आपको ले चलते हैं बचपन की उन प्यारी स्मृतियों में। हम बिस्तर में गुलटिया मारे सोते रहते, दिन निकला भी है इसका आभास नहीं होता क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं होती। बरामदे में तेज बारिश की बौछार कथरी भिगा देती, बौछार नहीं मारता तो छप्पर से टिप टिप पानी की बूंदें कहीं पैर कहीं हाथ पर कहीं पीठ पर पड़ जाती। रोया रोया खड़ा हो जाता, हल्की सी सिहरन शरीर में दौड़ जाती। बाबा जगाते ये कहते हुए, सावन सूते रोगी, भादो सूते जोगी, लंबी लंबी रातें सोते सोते थक जाते पर करते ही क्या। घर के चारों तरफ पानी भर जाता, घर से बाहर निकलने वाले रास्ते में पानी भरने से और गाय भैंसियों के आने जाने से पूरा रास्ता लेवा हो जाता। छप्पर में रसोई घर का धुआं चारों तरफ भर जाता, धुआं छप्पर से बाहर निकलता तो ऐसा लगता जैसे छप्पर ही सुलग रहा हो, लेकिन होता था ये कि मेरे सपने सुलग रहे थे। बटुली में मटर की दाल गल रही होती, मटर की दाल जल्दी गलती नहीं, दादी दलघुटनी से बार बार चलाती, फुकनी से भीगे हुए लकड़ी और उपलों में फूंक मारती। उस समय गरीबी तो थी ही, लेकिन हाट या बाजार साप्ताहिक होते थे, सब्जियां सप्ताह में एक बार ही आती थी सहियापुर बाजार से, वो भी जिस सोमवार को बारिश होती बाजार नहीं होता। ऐसे में घर में सब्जी में चारपाई के नीचे कई महीनों से रखी हुई आलू जो सिकुड़े हुए थे और मिथौरी की सब्जी बनती। मिथौरी एक विशेष प्रकार का कद्दू है जिससे पेठा बनता है। दादी उसे गर्मियों में छील कर काट कर छोटा छोटा बनाती, फिर उसमें मटर की दाल में फेंट कर गर्मियों में ही सुखा के रख देती थी, या कभी कभी गोभी के सीजन में जब वह बाजार में नहीं बिकता तो दादी काट कर धूप में सुखा कर एक गठरी में रख देती। बरसात के दिनों में उसे भिगा देती वह फूल जाता, थोड़ा चीमर जरूर था लेकिन आलू के साथ खाने में मजा आता था। पिताजी छाता लेकर किसी तरह स्कूल चले जाते, फिर हम भी आज़ाद और बारिश के थमने का इंतजार करते। बारिश रुक जाती फिर हम बाग में निकल जाते अपने दोस्तों के साथ, बहुत ध्यान से आम के नीचे पत्तों में ध्यान लगाए पके हुए फलों को खोजते, दो चार मिल जाते तो निहाल हो जाते। बाबा जी धोती बटोरे चारपाई पर बैठकर अधिकतर पटुआ यानी पटसन की रस्सी बटते, बैलों के लिए नाथ पगही गिराव और कुछ भाव भजन भी गुनगुनाते रहते। चला चल राम के बजरिया, जहां सत गुरु परिया। हम लोग सुनते रहते। अम्मा मूज एक प्रकार का घास जिसे चीर कर लाल और हरे रंग में रंगती, फिर उससे मौनी ढकिया और बेना जैसे घरेलू उपकरण बरसात के दिनों में बनाती रहती। हम छोटे भाई बहन बरामदे में ही लाइन खींचकर उसके कई खाने बनाते और पैर से एक एक खाने को पार करते और गिट्टी फेंकते जाते। उस समय उस खेल को कूद कूद कुत्ता कहते थे। मेरे मित्र मंडली में मेरे घर के आसपास मल्लाह और कुम्हार बिरादरी के लड़के रहते थे जो जाल बीनते उससे मछली पकड़ते। बाबा मुझे उन लड़कों के साथ जाने में मना करते थे लेकिन मैं उनके साथ गोली और गुल्ली डंडा प्रायः खेल ही लेता था। पिताजी के विद्यालय से आने का समय होता तैसे ही मैं अपने हाथ पैर धोकर डर के मारे किताब लेकर दिखावटी पढ़ने बैठ जाता। माँ मंद मंद मुस्कुराती और व्यंग में बोलती, यह देखो चेहरा जान पर कितना सोझ लड़का है, दरोगा जी आई गए ना। मैं सर नीचे करके मन में ही खटा कर हंस लेता और इशारा करता माँ से तो मेरी शिकायत। छोटी बहन सरोज मेरा सारा पोल खोल देती
मेरी गोलियां कहां रखी हैं पिताजी को बता देती, गुल्ली डंडा खेलने के लिए जिस हंसिए का प्रयोग किया था वह कहां टूटा है लाकर दिखा देती। मेरे बचपन में आज के जैसे चाउमीन बर्गर मोमो जैसी चीज़ें चलन में बहुत दूर क्या बिल्कुल नहीं थी। दादी नाश्ते में या रात के भोजन से पहले शाम को अक्सर अरहर की घुघरी, धनिए की बुकनी और प्याज खाने को देती। कभी कभी मटर और चावल का भूजा भूजती और लहसुन मर्चा की चटनी के साथ। दांतों को बड़ा मेहनत करना पड़ता था, बड़ा आनंद आता था खाने में। अब तो मैं 40 का हूँ, लेकिन 30 साल पहले के बचपन में अभाव भले था, उस अभाव में भी एक सकारात्मक ऊर्जा, एक ललक, एक उल्लास था। मस्ती के दिन थे वे, बात बात पर रोटना, भाई बहनों से झगड़ना, बाबा और दादी को चिढ़ाना, बड़े पिताजी के पैरों पर पुलुलू खेलना। बड़े पिताजी या बाबा जब भी खिलाते एक कविता ध्वन्यात्मक ढंग से पढ़ते रहते। घनत मनत एक कौड़ी पायो, ओ कौड़िया गंगम बहायो, गंगा माता बालू दिहन, ओ बलुया भुजैनिया दिहन, भुजैनिया हम में भुजा दिस, भुजवा हम घसियरवक दिहन, घसियरवा हम में घास दिस, घसिया हम गैयक दिहन, गैया हम में दूध दिस, दूधावा हम राजक दिहन, राजा हम में घोड़ दिहन, घोड़ चढ़े जाई थे तबला बजाई थे, हाड़ी पाड़ी संभारे रहे बुढ़िया, पुलुलुलु यह नतिया जात है। मन खुशी से भर जाता था जब मैं बाबा या बड़े पिताजी को खुश देखता तो कह पड़ता मुझे पुलुलु खिलाइए, पर उनकी भी शर्त होती थी। वो कहते थे गुड़वा मुखिया उतबाऊ, फिर मैं पैर दबाता था और वो मुझे पैर पर उठाकर खिलाते थे। संयुक्त परिवार था, आपस में थोड़ी बहुत टकराहट जरूर थी पर सब एक, आपस में प्रेम भाव था। गांव घर में सब एक दूसरे से तालमेल रखते थे, खेती किसानी के औजार एक दूसरे से लोग मांग कर काम चलाते, रोपनी में एक दूसरे का लेवा कराते, रोपनी कराते। फिर घर के बगल प्राइमरी स्कूल में हम सभी मित्र मंडली चंदा लगाकर हर घर से आटा आलू और उपले मांगते। फिर भौरी चोखा बनता, कोई मर्चा लाता, कोई प्याज, और मज़े से उसका आनंद लिया जाता। आज हम आधुनिक जीवन में बहुत दूर चले आए हैं, हो सके तो उस गांव को बचा लीजिए, उस बचपन को अपने अंदर जीवित रखिए और उस मेल व्यवहार को कायम रखें, क्योंकि हम ही वो लोग और आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गोली और गुल्ली डंडा के साथ मोबाइल नेट और सोशल मीडिया को भी देखा है। आज बारिश हो रही थी, उस बारिश में बचपन की स्मृतियाँ बिजली की तरह से अचानक कौंधी, और गांव में 30 साल पहले का वो बचपन, वो नज़ारा जीवित हो गया। इसे जीवित रखना ही चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हम नई पीढ़ी तक अपने मूल्यों को बताते रहें। नए के साथ पुराने का भी समावेश ऐसे ही लगेगा जैसे किसी पुराने पीतल या तांबे के लोटा में जो कोने में पड़ा हो उसमें कोई गुलदस्ता या कोई कलाकारी करके उसे डाइनिंग रूम में रख दिया गया हो, तो बहुत ज़रूरी है।